गुड मॉर्निंग एवरीवन. स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथ्स वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 3. इन विच क्वेश्चन नंबर 8 हमें 5 6 2 2 0 2 3 1 में से 7 9 7 1 5 6 4 को कट करना था. सो किस तरह से प्रॉपर फॉर्म में लिखना है वो आप लोगों को पता ही है ना. 1 - 4 नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे 1 को कट कर देंगे, 11 बोरो करेंगे, यहाँ पे 3 को कट कर देंगे, लिखेंगे 2. 2 - 6 नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे 12 बोरो करेंगे, 2 को कट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1. 1 - 5 नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे 11 बोरो करेंगे, 0 को कट कर देंगे, लिखेंगे 9. 9 - 1 पॉसिबल, यहाँ पे 0 को कट किया, दैट मीन्स यहाँ पे 2 को कट कर देंगे और लिखेंगे 1. 1 - 7 नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे 11 बोरो करेंगे, यहाँ पे 2 को कट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1. अगेन 1 + 9 नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे 11 बोरो करेंगे, 6 को कट कर देंगे और लिखेंगे 5. 5 - 7 नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे 15 बोरो करेंगे और यहाँ पे 5 को कट कर देंगे और लिखेंगे 4. अब इजिली हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. नाउ 11 - 4 7, 12 - 6 6, 11 - 5 6, 9 - 1 8, 11 - 7 4, 11 - 9 2, 15 - 7 8, 4 - 0. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 0 होगा 4. सो आपका आंसर क्या है? 4 8 2 4 8 6 6 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. 9 8 8 4 को आपको 14 से डिवाइड करना है. तो सबसे पहले उसे प्रॉपर फॉर्म में किस तरह से लिखना है वो आप लोगों को पता ही है. नाउ 9 8 8 4 डिवाइड बाय 14. 14 7 are 98. 8 - 8 0. 9 - 9 0. 8 टेक डाउन, 14 के टेबल में 8 पॉसिबल नहीं है, सो 14 0s are 0. 8 - 0 8. 4 टेक डाउन, 14 6 are 84. 4 - 4 0. 8 - 8 0. सो आपका आंसर क्या है? 7 0 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. 6 2 6 8 2 7 2 0 - 3 1 4 2 6 1 8 7. सो किस तरह से प्रॉपर फॉर्म में लिखना है वो आप लोगों को पता ही है. नाउ 0 - 7 नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे 10 बोरो करेंगे, यहाँ पे 2 को कट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1. 1 - 8 नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे 11 लिखेंगे, 7 को कट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6. नाउ 10 - 7 3, 11 - 8 3, 6 - 1 5. नाउ 2 - 6 नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे 12 बोरो करेंगे, 8 को कट कर देंगे और लिखेंगे 6. 12 - 6 6. 7 - 2 5. 6 - 4 2. 2 - 1 1. 6 - 3 3. सो आपका आंसर है 3 1 2 5 6 5 3 3. थैंक यू एवरीवन.